यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फरीदाबाद के सेक्टर 31 डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में ड्राइंग यूनिट कंपनी में बॉयलर फटा है और जिसमें से अगर बात करें तो 6 कर्मचारी झुलस गए और 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई गई है। बॉयलर फटने से कंपनी की छत तक उड़ गई और साथ वाली कंपनी की दीवार भी गिर गई। आपको बता दें कि कंपनी में कपड़ों की रंगाई का काम चल रहा था, उसी दौरान अचानक से ये बॉयलर फट गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पड़ोसी कंपनी के जो अधिकारी है राजेंद्र, उनकी माने तो उनके पड़ोस में ड्राइंग यूनिट की कंपनी है जिसमें बॉयलर ये लगा हुआ था और इसके लिए उन्होंने पहले भी बॉयलर को हटाने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं माने और आज अचानक से ये बॉयलर फट गया, जिससे कि उनकी कंपनी की दीवार भी गिर गई और नीचे उनके 5 मजदूर दब गए जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हमारे बगल में बॉयलर की कंपनी, प्रिंटिंग की कंपनी है, उसमें बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर के लिए हमने पहले भी इनको बोला कि एक दो बार इस बॉयलर को हटा लो और ये सडनली बॉयलर फट गया। हमारे वर्कर्स यहाँ पे निकल रहे थे वे में तो 6-7 आदमियों पे चोट लगी है। अच्छा, गंभीर चोटें आई हैं? हाँ जी, 2-3 के गंभीर चोट है, 3 को नॉर्मल। बॉयलर वाली कंपनी के साथ वाली कंपनी है, इस कंपनी में भी कुछ लोग मजदूर वो काम कर रहे थे तो वो चादर वगैरह उन लोगों के ऊपर भी पड़ी है और एक इसमें थोड़ी सी दीवार भी पड़ी है, इसकी वजह से कई लोगों को चोट आई। कितने लोग हैं टोटल और कितने गंभीर रूप से घायल हैं इसमें, कोई हताहत हुआ है इसमें? नहीं सर, हताहत तो ज़्यादा कैजुअलिटी के बारे में तो अभी पता नहीं चल पाया है और इसमें कुल 6 लोग बता रहे हैं घायल है। एक तो 19A नंबर कंपनी जिसमें बॉयलर फटा है और 5 बंदे साइड वाली कंपनी के हैं।